मुंबई गोरेगांव में मौजूद फिल्मिस्तान स्टूडियो ने बनाई 15 सालों में 27 फिल्में। रहा एस्केपिस्ट सिनेमा, हिंदी फॉर्मूला फिल्म का जन्मदाता। स्टूडियो की सरजमीन पर उभरे कई बड़े सितारे, दिलीप कुमार, वैजयंती बाला, किशोर कुमार। यहां पैदा हुआ शमी कपूर का आइकॉनिक स्टाइल और सबसे बड़ा स्तंभ रहा इतिहास के पन्नों में गुम एक नाम, शशधर मुखर्जी। फिल्मिस्तान स्टूडियोस। किसी फिल्म और किरदारों की कहानी में अगर ऑडियंस अपनी जिंदगी के रंग ढूंढ लेती है तो उस फिल्म के साथ साथ पर्दे पर आने वाले उसके कलाकारों को भी अपने दिलों में बसा लेती है। 1930s और 1960 की हिंदी फिल्मों के बारे में आज जब हम सोचते हैं तो राज कपूर, देवानंद, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर उस वक्त की हिंदी फिल्मों में जान फूंकी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बुनियादी ढांचा तैयार किया। इन नामों में एक बड़ा नाम है शशधर मुखर्जी, जिन्होंने फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत बॉम्बे टॉकी से की और 1943 में फिल्मिस्तान स्टूडियो बनाया। बॉम्बे टॉकीज टूटा और देविका रानी का इंटरेस्ट कम हो गया, उनका प्रेम हो गया किसी से, फिर वो स्टूडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वैसे समय में एक ऐसा हेड आपका बना रहे जो लगभग इनएक्टिव हो गया हो तो वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ से निकलने की वजहों पर अगर बात करें या शशधर मुखर्जी ने क्यों अलग से फिल्मिस्तान की स्थापना की और क्यों अशोक कुमार, जो कि अशोक कुमार को देविका रानी ने खोजा था और निकाला था, कायदे से अशोक कुमार को छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हमेशा हम ये देखते हैं कि इस तरह के ग्रुप बनते हैं और ये क्रिएटिव ग्रुप होता है, किसी स्वार्थवश या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नहीं होता है। ये अगर हम उन लोगों के दिमाग पर गौर करें और या जो मानसिकता रही होगी उस समय, वो निश्चित रूप से ये रही होगी कि चलो यार अब यहाँ काम नहीं हो रहा है और इस ब्रांड के साथ या इस स्टूडियो में हम रह के काम नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि हम एक अलग स्टूडियो बनाएं और एक अलग नाम दें उसको और उससे एक नई एनर्जी के साथ काम शुरू करें। 1943 में आजादी की लड़ाई की गर्मजोशी के माहौल में बने स्टूडियो फिल्मिस्तान की फिल्मों में गजब की वैरायटी थी। शुरुआत से ही शशधर मुखर्जी ने इस स्टूडियो के सिनेमा को किसी एक जानर में नहीं बांधा। कभी गीतों से तो कभी इन गीतों की धुनों से, तो कभी सपेरे की बीन से, कभी कॉमेडियन की शरारतों से, तो कभी किसी वीर हिंदुस्तानी सिपाही के बंदे मातरम की हुंकार से। फिल्मिस्तान की शुरुआत से ही इस स्टूडियो की फिल्मों का मूल मंत्र था मनोरंजन। बचपन की याद धीरे धीरे, बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई, आ देख एक फुलवारी अब गुलजार बन गई। बचपन की याद, बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई, आ देख एक फुलवारी अब गुलजार बन।